Hi guys, welcome to my channel from with Leader. So ये सबसे पहले तो आप सभी को happy जन्माष्टमी। तो गाइस आज के इस खास मौके पे मैं बनाने वाली हूँ कान्हा जी का ये पेरिस झूला। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस केक का ये प्लेट है और इसके बाद ये कुछ रोल्स चाहिए हमें, कुछ इस टाइप का पेपर चाहिए, कलरफुल पेपर, और ये तीन चीज़ें यानी सीजर, ग्लू एंड सेल टेप। तो गाइस कुछ इस टाइप से हम इस पर पेस्ट करेंगे। सबसे पहले तो ग्लू को बिल्कुल अच्छे से अप्लाई कीजिएगा, बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करना है। और उसके बाद गाइस इसमें अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिए। एंड देन गाइस कुछ इस टाइप से बिल्कुल प्लेन करके आपको यहाँ पर पेस्ट करना है। ध्यान रखिएगा, एकदम अच्छे से इसको टैप कर लीजिएगा और कुछ इस टाइप से पूरे साइड साइड में आपको सीजर से कट लगा देना है। एंड देन उसके बाद गाइस कुछ इस टाइप से हमें पेस्ट कर देना है, ठीक है गाइस। तो आप देख सकते हो काफ़ी प्यारा लग रहा है, हमारे ये बेस मेन रेडी हो चुका है गाइस। अब चलिए कुछ इस टाइप से हम ये रोल को रेडी करेंगे। तो यहाँ न्यूज़पेपर को इस रोल के अंदर डालना है, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से हम रोल करेंगे एंड उसके बाद गाइस इस टाइप से हम टेप यहाँ पर लगा देंगे या फिर आप ग्लू का भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से हम रोल रेडी कर लिए, अब इसके अंदर इसे एंड कर लेंगे, ठीक है। अब गाइस इतना एक्स्ट्रा पार्ट है तो इसे सीजर से हम कट लगा देंगे। चलिए फटाफट से इसे कट कर लेते। तो गाइस हमसे मिले, देखिए कौन आया है। हेलो गाइस, सो चलिए हमारे ये कंप्लीट हो चुका है। अब इस पे क्या करेंगे ना, ये जो येलो वाले पेपर है इसको हम लोग रोल पे पूरा अच्छे से पेस्ट करेंगे, सेम उसी टाइप से जैसे हम लोग बेस को रेडी किया ना, सेम उसी टाइप से। चलिए फटाफट इस पे ग्लू का अप्लाई कर लिया और बिल्कुल प्लेन करते हुए कुछ इस टाइप से हमने रेडी कर दिया। और यहाँ पर थोड़ा सा कट लगा करके सेम उसी टाइप से हमने कट किया और इसको अंदर घुसा दिया, ठीक है। और एक बात का ध्यान रखिएगा, इस पे दोनों साइड जो रेड वाला है बिल्कुल दोनों साइड प्लेन रहेगा, इसमें एक साइड प्लेन रहेगा और एक साइड रफ। तो कुछ इस टाइप का हमें एक छोटा छोटा सर्कल्स कट करना है। एंड गाइज यहाँ पर हम येलो पेपर से इसको कवर अप कर लिए, ठीक है। तो कि गाइज ये कुछ इस टाइप का हम लेस यूज़ करने वाले हैं, आप कोई भी डिज़ाइन का लेस यूज़ कर सकते हो, ठीक है, बहुत सारे मार्केट में आते हैं। तो गाइज अब हम यहाँ पर ग्लू का अप्लाई करेंगे। तो गाइज ये जो ग्लू मैंने यूज़ किया है ये एशियन पेंट का डायनेमो वाला ग्लू है, ठीक है, ये काफ़ी अच्छा होता है। तो गाइज आप देख सकते हो बेस हमारा पूरा रेडी हो चुका है। और अब कुछ इस टाइप से ये जो दो सर्कल्स हमने बनाए थे इसमें बिल्कुल बढ़िया से ग्लू लगाना है, मैंने वही ग्लू का यूज़ किया है, ठीक है। तो गाइज कुछ इस टाइप से हमने रोल को भी पेस्ट कर लेना है। याद रखिएगा जहाँ पर न्यूज़पेपर दिख रहा है वो साइड को हमें पेस्ट करना है, ठीक है। तो ये गाइज अब हम लेंगे फ़ोन का कुछ इस टाइप का कवर जो होता है ना, ये वाला ढक्कन हमने लेना है और इसी को हम लोग झूला के लिए रेडी करेंगे। तो चलिए गाइज फटाफट से इसे बिल्कुल अच्छे से मेजरमेंट करके आपको कट कर लेना है। एंड देन गाइज इस टाइप से कट लगाना है, देख सकते हैं आप, थोड़ा थोड़ा मैंने कट लगाया है, जो हमने मार्क किया था ना वही एरिया में हमने कट लगाया। तो गाइज कुछ इस टाइप से हमें पेस्ट कर देना है बिल्कुल बढ़िया से, देख सकते हैं आप, दोनों साइड में पहले पेस्ट कीजिएगा एंड उसके बाद जो बड़ा बड़ा एरिया है उसको हम लोग कुछ इस टाइप से पेस्ट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद थोड़ा सा कट लगा करके देन उसको कवर अप कर देंगे। तो गाइज फाइनली हमारे ये झूला वाला जो बेस है वो हमारा रेडी हो चुका है। सो गाइज अब हम झूला के लिए गद्दा बना रहे हैं। तो गाइज कुछ इस टाइप का हमने फोम शीट लिया है। तो गाइज यहाँ पर कुछ इस टाइप से फोल्ड करेंगे एंड देन गाइज यहाँ मैंने येलो कलर का पेपर लिया है और कुछ उसी टाइप के कट कर ले रहे हैं बिल्कुल उसके मेजरमेंट के अकॉर्डिंग। एंड उसके बाद गाइज इस पर कुछ इस टाइप से बिल्कुल गिफ्ट रैप जैसे करते हैं ना हम लोग, उसी टाइप से इसे रैप करना है एंड बिल्कुल बढ़िया से इसमें टेप लगाना है, ठीक है। टेप बढ़िया से लगाइएगा वरना फिर खुल जाएगा तो फिर सारा मेहनत बेकार। तो गाइस कुछ इस टाइप से हमने फोल्ड कर लिया है, सेम टाइप में हमने दोनों साइड से कर लिया और कुछ इस टाइप से हम इसमें एंटर कर लेंगे। सो गाइस ये जो फोल्ड्स पड़ रही है ना सो रहने दीजिएगा, ठीक है। और कुछ इस टाइप से हमने पिलो भी यहाँ पर लगा दिया, बिल्कुल सेम प्रोसेस पर मेरी मम्मी ने बनाया। तो गाइस यहाँ वैसे तो एक छोटा सा मैं ट्रेलर दिखा रही हूँ कि किस टाइप का आपको रिजल्ट दिखने को मिलने वाला है। तो गाइस अच्छा लग रहा है ना, तो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। और चलिए अब हम यहाँ पर होल कर देते हैं कुछ इस टाइप से, कोई भी आप नोकीली चीज़ का यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पर स्क्रू ड्राइवर का यूज़ किया है, कुछ इस टाइप से हमने ग्लू का अप्लाई किया है और हम यहाँ पर लेस को पेस्ट करें, सेम डिज़ाइन का लेस हम पेस्ट करेंगे चारों साइड में, ठीक है। तो चलिए गाइस आप देख सकते हो चारों साइड में हमने पेस्ट कर दिया है। और कुछ इस टाइप से गाइस यहाँ देख सकते हो डोरी जो हमारी ड्रेस वगैरह में लगता है तो वो डोरी मैंने ले लिया है। और यहाँ पर गाइज हम एक फ्लावर लगा रहे हैं बिल्कुल एंड पॉइंट पे एंड उसके बाद कुछ इस टाइप से हमने एंटर कर लिया और दो बार हमने नॉट लगाना है ताकि वो जो होल है ना उसे निकले नहीं, ठीक है। तो चलिए गाइज ये हमारा रेडी हो गया। अब मेजरमेंट करेंगे या फिर कितना बड़ा हमने झूला रखना है। तो गाइज कुछ इतना बड़ा हमने रखना है तो कुछ इस टाइप से हम कट कर लेंगे दो पीस, ठीक है। देन गाइज कुछ इस टाइप से हमें पेस्ट करना है, वही ग्लू हमने यूज़ करना है लेकिन काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में, ठीक है, ताकि अच्छे से पेस्ट हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोड तो इसी में पड़ने वाला है ना। तो गाइज अब इस टाइप से मैंने ट्रांसपेरेंट टेप लगा दिया है जो कि वाइट टेप होता है एंड कुछ इस टाइप से हमने ये इस साइड में भी लगा दिया है। तो गाइज हमारा झूला तो रेडी हो चुका है। तो चलिए कुछ इस टाइप से हम इसे पेस्ट कर देते हैं बिल्कुल बढ़िया से। यहाँ आप ग्लू का अप्लाई कर दीजिएगा क्योंकि मेन वही रोल है रेड वाला, तो इसलिए थोड़ा सा बढ़िया से ग्लू अप्लाई कीजिएगा। आप और भी कुछ का यूज़ कर सकते हो, अगर थोड़ा सा दिक्कत हो तो टेप वगैरह का भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो फाइनली गाइज हमारे ये चीज़ तो रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर थोड़ा डेकोरेशन कर देते हैं। डेकोरेशन के लिए मैंने यहाँ पर फ्लावर्स लिया है, साथ में थर्माकोल बॉल का मैं अप्लाई कर रही हूँ कुछ इस टाइप से गाइज। तो चलिए फटाफट से यहाँ पर थर्माकोल बॉल को मैंने पेस्ट कर दिया है
और अब यहाँ पिलो लगा देते हैं और कान्हा जी को ले आते हैं। तो चलिए कान्हा जी को पहले फिलहाल यहाँ पे बैठा देते हैं, उसके बाद बाकी डेकोरेशन स्टार्ट करते हैं। तो ये अभी मैं थर्माकोल बॉल से थोड़ा सा डेकोरेट कर रही हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ मैंने झूले पे पूरा थर्माकोल लगा दिया है और यहाँ पर गाइस मैं बेस में भी लगा रही हूँ, पूरे बेस में मैंने रेडी कर लिया। सो ये सब जितनी भी चीज़ों का यूज़ करेंगे डेकोरेशन के लिए उतना ही ज़्यादा प्यारा और ब्यूटीफुल से एकदम झूला आपका रेडी होगा, ठीक है। तो चलिए गाइस अभी फिलहाल ये हमने गार्डन से कुछ फ्लावर्स तोड़ करके लाई थी, वही सारे फ्लावर्स मैं यहाँ पर डेकोरेशन के लिए यूज़ कर रही हूँ। तो जब तक डेकोरेशन प्रोसेस चल रहा है तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, ये जो मैंने झूला रेडी किया है ना, ये मैंने अकेले नहीं बनाया, ये मेरी फ्रेंड पायल और मेरी मम्मी ने भी मुझे हेल्प किया है। तो गाइस ये क्रेडिट तीनों को जाता है। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एंड ऑल्सो गाइस इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा, इस आपको सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड ऑल्सो गाइस हमारे चैनल पे ऐसे ही मज़ेदार वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को जरूर बजाइएगा। एंड वन मोर थिंग गाइस, ये वीडियो कैसे लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मुझे फॉलो जरूर कर लीजिएगा इंस्टाग्राम एंड फेसबुक आईडी में, इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपने फैमिली का ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस फुल वीडियो, सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय एंड हाँ जय श्री कृष्णा।